चलो भाई, अब हम जा रहे हैं घर। हर रोज हमारा कितना कितना एडिट निपट रहा है भाई, हमारे एक एक मिनट बन रहा है डेली। वो किसकी वजह से बन रहा है और लेट हो रहा है? वो इस सिपड़ी की वजह से। भैया भाई भैया, चल चल चल। वैसे मौसी मेरी कह रही थी कि इसको छेड़ना मत, इसको हाथ भी मत लगाना, पर ये बहुत दिन हो गए यार, इसको मेरे मुंह पे बहुत सारे दिन हो गए और ये काफी ऐसा हो गया, ढीला हो गया, ये ढीला जा सकता कभी भी। इट इज जस्ट अ पपड़ी नाउ। हट गया, कुछ भी नहीं रह गया था, कुछ भी नहीं, जरा सा जुड़ा पता बस। ये अभी 12:30 बज रहे शायद और मैं अपनी रीडिंग करके हटाऊं जो प्ले अपन करने वाले हैं। अभी मैं सोने जा रहा था और मुझे बस ये लग रहा था कि इसको निकाल दूं यहाँ से, ये बहुत दिन रेंट फ्री मेरे फेस पे रह गया। तो स्वागत है आपका आज के इस नए ब्लॉग में। यू आर वॉचिंग प्रियांका आर्य। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक ब्लॉग्स में बने रहने के लिए। मैं फिलहाल इसको देखूंगा, इसको निहारूंगा। यही चीज़ तो है जो आप करते हैं बड़े दिल से। इसको देखूंगा यार, क्या था ये, कितने दिन से मेरे फेस पे था ये। ये तो ठीक हो ही जाएगा थोड़े दिनों में। अब मैं सोने जा रहा हूँ। मम्मी, तोशी ये सब लोग मामा के यहाँ जा रखे हैं। फिलहाल पापा और मैं ही हैं घर पे। पनीर लेके आया था मैं वहाँ से रात के लिए। मम्मी को जब छोड़ने गया था तो मामी ने बोला कि पनीर लेते ही जाना। मैं लेके आया था, खा लिया है। पर ए भैया, हट गया है, कब से था ये। चलो अब सुबह मिलेंगे। चलिए भाई, गाइस गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है और अपने पास एक बात है आपसे शेयर करने के लिए कि जो दिन की 1 बजे वाली धूप है वो सुबह 9 बजे हो जा रही है। अभी मैं बाहर गया था कुछ सामान लेने के लिए। असल में हमारे पास पीनट्स नहीं थे तो मैं मूंगफली लेने गया था। मैं भैंस की इतनी धूप में मर गया, मैं पागल हो गया हूँ। आज थोड़ा एक्सपेरिमेंटल पोहा बनाएंगे, आपको पसंद आएगा बाबा। चलिए पहले प्याज काट लेते हैं। हम बना रहे हैं पोहा। वैसे आटा वाटा गुंदा हुआ है, रोटी बना सकते थे। पिताजी ने बोला नहीं, कुछ हल्का हो जाए यार, रोटी वोटी रहने देते हैं, मम्मी लोग तो घर पे है नहीं। पोहा हमने भिगाने रख दिया था तो बड़ा ही खिलखिला के आ रहा है बाहर वो। आप पोहे के साथ क्या खाओगे? पोहे के साथ क्या, चाय? लस्सी नहीं? पापा लस्सी गुड ऑप्शन है। कॉल आएगा, मैं मंगा दूंगा, शिवांशु से आ रहा है वो। उसके लिए भी बना देता पोहा, पोहा बन जाएगा सबके लिए। शिवांशु को फोन करता हूँ। मैंने शिवांशु को फोन कर दिया है, मैंने कहा भाई लस्सी लेते आना, प्याज काट लेता हूँ, मेरे मुंह के बराबर तो प्याज ही है। पापा ये हरी मिर्च लग रही है? लग रही है, ये हरी मिर्च तीखी नहीं है ना। भैया अपना पैन भी गर्म होके तैयार है, भूनते रहो। अरे बहुत जल्दी भून गया यार, ज्यादा गर्म हो गया, ब्राउन होने लग गया यार ये तो। इसके अलावा हमें लगेगी फ्रेश कड़ी पत्ता लीव्स। कौन सी ले लूं, जो थोड़ी ग्रीन है, ये वाली? 1, 2, 3, 4, 12 लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 यहाँ से शुरू करते हैं। Here we go। पोहा वैसे मैं इसलिए भी बना रहा हूँ क्योंकि रोटी से बच जाएंगे ना। अब बनाना तो मैं टेस्टी ही चाहता हूँ, पर वो नहीं है, राई नहीं है, तो बिना राई के जीरा ओनली हो गया काफी। दाने ये भून के तैयार हैं। अब भून के तैयार हैं, जल के मुझे नहीं पता, वो भूरा होने तक थोड़ा भून लेंगे बेटा। कड़ी पत्ता हमारा बिल्कुल ब्राउन हो चुका है, मजे ही आ गए हैं उसको। उसने कहा क्या हो गया ये हमारे साथ, उसने कहा नशा मुक्ति केंद्र जाना पड़ेगा यार, इसमें पोहा ज़्यादा हो जाएगा, इसमें शिफ्ट करना पड़ेगा। अजीब सा लगा होगा ना तुमको भी, गुस्सा आ रहा होगा ना, क्या करूँ, कम पड़ जाता ना, इसमें पोहा नहीं आ पाता ना। 1 घंटा हो गया। कह रहे तू अपनी माँ से भी ज्यादा लेट लतीफ है, लेट लतीफ।
हाँ भाई, हाँ भाई लेट लगी। बस हमारा तैयार हो गया है पोहा यार। हाँ, बड़ा पोहा इट इज। भाई मैं तुम्हें दिखा दूँ पोहा कैसा बना है। लेट्स चेक। पोहा फ्रॉम दोहा। पोहा बन चुका है पोहा, और इसी तरह पोहा खाएंगे मजे ही मजे, कभी पोहा कभी गोहा। और ये क्या डल रहा है भाई? ये डल रहा है लोहा। वाह यार, चलो भाई परोस दें इसे थालियों में। दिक्कत ये हो गई कि सेंधा नमक से बना है ये पोहा, ठीक है ना। शिवांशु बेचारा जो है खा नहीं रहा है बिल्कुल भी। कह रहा भाई पनीर जो सुनार की दुकान में मिलने लगा है वो खा के आ रहा हूँ मैं, और 30 रुपए का पोहा खाऊंगा यहाँ पे यार। 30 रुपए का। Enough. जरा एक ये भी लगा देना मेरे। ये इसको लगाने के लिए एक आदमी पे एक लगाना पड़ता है मेरे। अच्छा शिवांशु, तुम जो दही लेके आए थे वो निकाल लो यार तुम। पता नहीं कैसी होगी ये, बता भी नहीं रहा है कहाँ से लेके आया। सुन एक काम कर, ये हटा दे इसके, जब स्ट्रॉ है नहीं तो ये क्यों दिया उसने, पागल है हम लोग। थोड़ा जो है यार यहाँ पे तो बढ़िया दिख रही थी ये। ये सब बहाने नहीं चलेंगे यहाँ पर। टेप लगाई थी ऊपर से तो नीचे। ओह माय गॉड, सेफ भी डल गए अब तो। अभी ये लस्सी है, ये क्या है? ये तो वो लग रहा है रसमलाई। श्रीखंड, श्रीखंड भाई, गरम गरम पोहे में सेव भी आ चुका है। भाई पैकेट हटाओ यार, सेव बोल रहे हैं। जी जी सेव भी आ चुका है, और पंजाबी फ्यूजन भी है इसमें थोड़ा। लस्सी क्या है? लस्सी ए भाऊ, मतलब पोहा पाई दे और थोड़ी जी लस्सी भी दे दे मेरे को। ऐसे करके नहीं छोड़ना पड़ेगा, थोड़ी जी लस्सी दे तो मी तुम्हें। ये आपको व्लॉग में कहानी नहीं पता होगी आपको बिकू आएगी कि जब ये मुंबई रहते थे तो वर्सोवा 7 बंगलोज के पास ही इनका ठेला था, वहीं मैं पोहा बनाया करता था। पोहा बनाया करते थे उस टाइम, फेमस भी थे पोहे के लिए। पोहे के लिए, हालांकि बड़ा नाम तो नहीं कर पाए इंडस्ट्री में, पर फूड इंडस्ट्री में काफी ही छोटा नाम कर पाए फिर। चलो भाई गिराना मत, चलो भाई आगे भी देखना है, टायर में मत लड़ना है। सर सर क्या कह रहे थे? जैसे चक्के बताएंगे पहले। लस्सी भी है साथ में, पूरा निरीक्षण कर रहे हैं भाई। मुझसे कुछ बोलिए, कुछ बोलिए, कुछ बोलिए तो, बोलिए तो। चुप का है। मराठी और पंजाबी नाश्ता साथ में, गढ़वाली लोग पोहा ची थाल और ते लस्सी दा ग्लास। लस्सी दा ग्लास तो, लस्सी दा ग्लास भी है भाऊ, मले तुला पाइजे का लस्सी दा ग्लास। भाई जरा चक्की बताएं। बढ़िया हो रहा भाई, लस्सी भी चेक कर लेने हैं। ओ ये बढ़िया है लस्सी, रसमलाई वाला टेस्ट नहीं? हाँ रसमलाई जैसा ही है। ये जो फ्री फंड का इतना पसीना हो रहा है, इसके बारे में क्या कहना है आपका? बारिश की देर है बस एक। अगर बारिश आ गई तो? बारिश आ गई तो जैसे मोर नहीं नाचते वैसे नाचूंगा पदमपुर चौराहे में। मैं भी भीग जाऊंगा माँ की कसम, इतना भीग जाऊंगा माँ कसम, कुछ नहीं छोड़ूंगा, नहा जाऊंगा बाहर। चार ही कमाए जट ने। तो कहाँ पे थे भाई हम, क्या कर, कितना कर चुके हैं हम एडिटर साहब आप बताएं। बस अब सॉन्ग स्टार्ट करेंगे हम आज से। हमने इंट्रो पूरा, इंट्रो हमने पूरा कर दिया है, एडिट कर लिया है। बातचीत आ रही है मतलब बस कुछ ही दिनों में, मतलब कुछ दिन भी नहीं, एक दो दिन, दो दिन हम अपनी तरफ से बोल रहे हैं, थोड़ा वो लेके चलते हैं, टाइम लेके चलते हैं, तो 4 दिन थोड़ा प्रमोशन भी तो करेंगे, टीजर डालेंगे पहले इंस्टाग्राम पे। तो भैया हम एडिटिंग वाले भैया के पास आ गए हम लोग, और हम एडिट पे लगे हुए हैं। इंट्रो हमने कल एडिट कर लिया था, बाकी का सॉन्ग अब एडिट करेंगे हम। ओहो कितना कचड़ा है पूरा, पूरा भैंस की क्यों है कचड़ा? पोहा खा के ज्यादा नहीं बोल रहा तू? चलो भाई अब हम जा रहे हैं घर। हर रोज हमारा कितना एडिट निपट रहा है भाई, हमारा एक एक मिनट बन रहा है डेली। हाँ। किसकी वजह से? और लेट हो रहा है वो इस सिपड़ी की वजह से। इसकी वजह से, शिवांशु की वजह से।
वैसे मजाक कर रहे हैं हम लोग, एक एक मिनट बहुत इत्मीनान से एडिट कर रहे हैं, तो एक एक मिनट का एडिट आगे बढ़ रहे हैं रोज रोज। 5 मिनट का सॉन्ग है अगर, तो 2-3 दिन और लग जाएंगे बस। तब तक वो बनाओ हैं, तब तक उसमें वो बनाओ ना थोड़ा। हाँ क्या बोलते हैं भाई उसे, भूल गया। अरे वो यार, अरे वही भूल गया, अरे वही जो वो होता है क्रेज, क्रेज बढ़ाना है। आज मोहित भाई भी आ रहे हैं, इन्होंने हमारा सॉन्ग जो है पहले दिन शूट किया था, तो जब शुरुआत हुई थी गाने की शूट की, तो भाई पे आज एडिट पे भी आए हैं। जैसे वो होती है ना मीटिंग्स बैठती हैं, उनको भी एक्साइटमेंट हो रही है बहुत ज्यादा कि गाना कब आएगा ये। चले भाई, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया लगा, फिर आएंगे। इस भीषण गर्मी में एडिट करने के बाद थोड़ा समय निकाल के होकर आते हैं। मैं तो एडिट में बिजी था थोड़ा, वो निपटा लिया, व्लॉग पोस्ट कर लिया, अब अपना थोड़ा चिल के लिए जा रहे हैं हम। वी आर गोइंग टू प्ले पूल। पर फिर भी दिस गाय जो पीछे बैठा है हमारे, जिसको आपने पुराने मतलब भूतकाल में आपने जिसको व्लॉग्स में देखा होगा, किब्बू। हाँ यार, पुराने व्लॉग जरूर देखना। किब्बू और मैं साथ में जिम करते थे, उसके बाद मेरा जिम छूट गया, सही रहा। नहीं, तू पहुँच उधर। वो देखो शिवांशु भी है, वो जा रहा है हमारा पूल के लिए। किब्बू को मैं तब तक जरा सोच रहा हूँ जिम तक छोड़ दूँ। किब्बे भाई जी, बताएं आपकी जर्नी कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही है मेरी जर्नी, एकदम बेहतरीन। बेहतरीन। आपका गला थोड़ा बैठ रहा था, क्या हो गया? ठंडा पानी पी लिया? ठंडा पानी नहीं भैया, यार वो बैंक रेसिंग लगा। बाहर निकलो तो राजस्थान, अंदर आओ तो कुल्लू मनाली। बाहर निकलो तो राजस्थान, अंदर आओ तो कुल्लू मनाली। अब लौंडे को जिम छोड़ के आ रहे हैं, इनका साइज वाइज देखिए आप, क्या मतलब क्या तो गेन किया भाई ने, वो भयंकर। तो इसको मैंने जरा जिम तक, कहाँ पर थे जिम भाई? कमेंट करो और भाई को बोलो कि भाई भी जिम शुरू करें, क्योंकि अगर आप भाई इंस्टाग्राम में तो आपको पता चलेगा कि भाई का कितना भयानक साइज था। जितना साइज मैं अभी लेके चल रहा हूँ, उतना साइज भाई का 2 साल पहले था। आप छोड़ो तो थोड़ा पिच करो इनको, वीडियो से हट के थोड़ा जिम ले, तो भाई टाइम नहीं मिल पाता ना ब्रो। कोई नहीं, कोई नहीं, मुझे पता है, पर थोड़ा सा मिल ही जाएगा टाइम। हाँ, अब ये खेलने का टाइम भी बड़ी मुश्किल से निकाला है, 2 मिनट फ्रेश होने के लिए। बिल्कुल ठीक है ब्रो, मिलते हैं। एक बार फिर से फ्लैक्स कर दो मेरे भाई। चल ठीक है, मिलता हूँ भाई। बहुत ही गंदी गर्मी हो रही है कोटद्वार में, दिल्ली में तो 52 पहुंच गया टेम्परेचर, बारिश हो गई दिल्ली में बहुत भयानक। मीनू ने मुझे वीडियो भेजी थी कि दिल्ली का ऐसा हो गया मौसम, बहुत भयंकर बारिश हो गई दिल्ली में, तो बहुत अच्छा लगा सुनकर। हम खुद यहाँ पर प्रे कर रहे हैं सुबह से, शिवांशु मैं जब कलाल घाटी से आ रहे थे धूप में, भगवान करे बारिश हो जाए, पर जो भी है देख लेंगे भाई। कुछ दिन पहले भी हमने पूल खेला था, उस दिन भाई की बड़ी बुरी शर्मनाक हार हुई। आज क्या कहना है आपका? अरे उस दिन थोड़ा कमर दर्द था, कमर में दर्द था, तो मैं शॉट नहीं खेला। आज क्या है? आज मैं कमर में दर्द करवाऊंगा। जब जब जाने वाली नहीं होगी तब तक आप वीडियो बनाना, जाओ उधर से बनाना। जाते टाइम चाहिए, चलो फिर वो लेते हुए जाना। अरे वो लेते हुए जाना, दिन जब होता है तो मैं उसे बोलने देता हूँ। अरे वो लेते हुए जाना अपना सा मुंह, एक बार हंसी दिखाना सबको। ये हंसी नहीं थी वो, ये वाली हंसी थी मेरे को। और यहाँ पर जो है शिवांशु भाई अपना सा मुंह लेकर जाते हुए घर की ओर। ठीक है शिवांशु भाई, फिर मिलते हैं, मुलाकात होगी। नाइस यार, जरूरी नहीं है कि हमेशा बंदा जीते, किसी के जीतने के लिए किसी का हारना जरूरी होता है, यू नो दैट। पर वो जीत मेरी थी। अब छोड़ यार, कभी स्किलफुल भी होता है अगला बंदा। बाय बाय, कल सुबह। चलो गाइस, हम घर पहुंच गए हैं और अब इस ब्लॉग को कर रहे हैं यहीं पर एंड। एंड कर दें? ठीक है जी, इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। अब हम सोएंगे, सब लोग थक गए हैं काफ़ी। मेरा थोड़ा बहुत पढ़ने का काम बाकी रहता है, वो करूँगा तभी। मैं इस कमरे में नहीं जा रहा हूँ, इधर इन्होंने ऐसे ऐसे चला रखा, ये सो रहे हैं। मैंने कहा मैं वहाँ चला गया तो फिर बाहर नहीं निकल पाऊंगा। अच्छा सुन, जब कूलर आने कमरे में तो जा, मैं चला जाऊँगा, मैं कर लूँगा। ठीक है, इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ये लोग भी घर आ गए हैं वापस, तोशी सो गई है, सो गई वो। क्रिएटर को सपोर्ट करने के लिए ज्वाइन कर बटन दबाएं, उसके अलग मजे हैं, गारंटेड फन। और अगर आप इस चैनल बनाए हैं तो वो बेल आइकन दबाइए, क्योंकि रोज ब्लॉग आ रहे हैं। दोबारा तो वो बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहाँ रोज ब्लॉग आ रहे हैं। तू ऐसे ऊपर की चढ़ी सीढ़ी में। ठीक है।
ठीक है ठीक है। हाँ भाई।